नमस्कार फ्रेंड्स, क्रिशल स्क्रीन लाइफ पे आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपसे इस ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट को ग्रो करने की सारी पॉसिबल प्रोसेस शेयर करूंगी। साथ ही साथ मुझे इस प्लांट के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन पता है वो आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम किसी प्लांट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं तब उस प्लांट को ग्रो करने में मुझे ज़्यादा आसानी होती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो कैलेंडुला एक हर्बेशियस फ्लावरिंग प्लांट है जो कि इंडियन क्लाइमेट में विंटर में ब्लूमिंग करता है। कैलेंडुला को लोग कॉमनली पॉट मैरीगोल्ड के नाम से भी जानते हैं और इसका बोटेनिकल नेम है कैलेंडुला ऑफिशिनलिस। ये भी मैरीगोल्ड क्रिसेंथेमम की तरह एस्टेरेसियाई फैमिली से बिलोंग करता है। अब मैं आपको इस प्लांट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ जो कि शायद ही आपने कभी सुनी है। आपको पता है कैलेंडुला का फूल को खाया जा सकता है। अक्सर इनको लोग सैलड में फूड को गार्निशिंग के लिए भी यूज करते हैं। इसके पत्ते को भी खाया जा सकता है, हालांकि टेस्ट अच्छा नहीं है। हमारे इंडियन कल्चर में इसे मेडिसिनल हर्ब की तरह इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ ये कपड़े और कॉस्मेटिक्स को तैयार करने में भी यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपने पहली बार सुना है या फिर आपको पहले से पता था तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे ये जानने में बहुत खुशी होगी। तो अब कैलेंडुला को ग्रो करने के लिए उसका क्या इन्फॉर्मेशन जानते हैं। देखिए, कैलेंडुला को बोटेनिकल एक्सपर्ट एक बहुत ही ईजी टू ग्रो फ्लावरिंग प्लांट की तरह कंसिडर करते हैं और उसका मेन एक कारण यही है कि ये प्लांट हर तरह की सॉइल में ग्रो हो जाता है। हालांकि हर प्लांट की तरह जब हम इसे पॉट में ग्रो करते हैं तो हमें वेल ड्रेन सॉइल ज़रूर बनाना चाहिए। मैं मेरे इस प्लांट के लिए नॉर्मली 50% गार्डन सॉइल एंड 50% वर्मी कंपोस्ट देके सॉइल मिक्स तैयार किया है। आप भी आपके यहाँ के अवेलेबल गार्डन सॉइल का यूज़ करके बहुत ही आसानी से कैलेंडुला को ग्रो कर सकते हैं। हाँ, अगर आप इनको हैंगिंग में रखना चाहते हैं देन यू शुड गो विथ सम टाइप ऑफ लाइट वेट सॉइल मीडिया लाइक कोकोपीट। बस जब आप कोकोपीट में प्लांट को ग्रो करो तो वाटरिंग का थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखिए। जैसा कि मैंने अभी कहा है कि मैं सॉइल मिक्स में हाफ पर्ड वर्मी कंपोज दिया है, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट को न्यूट्रिएन रिच सॉइल बहुत ज़्यादा पसंद है और ज़रूरी भी होता है। इसलिए आप प्लांट को छोटे समय से मैच्योर होने तक एवरी 10 डेज के इंटरवल पे फर्टिलाइज़र दीजिए। मैं हर 10 डेज के इंटरवल पे NPK 19:19:19 सीवीड लिक्विड और मास्टर्ड केक फर्टिलाइज़र देती हूँ। इन जब प्लांट्स मैच्योर हो जाएगा दैट टाइम पे आप म्यूरेट ऑफ पोटास दीजिए, इससे प्लांट की ब्लूमिंग बहुत ही बढ़िया होगी। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में कहती हूँ कि गार्डनिंग से रिलेटेड सारी चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर आप चाहे तो उस लिंक से परचेस कर सकते हैं और उस लिंक से खरीदने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। एंड जब ग्रोइंग पीरियड में हो तब आप इसको रेगुलरली वाटरिंग करिए और एक बार प्लांट जब मैच्योर हो जाए उसके बाद आप वाटरिंग के फ्रीक्वेंसी को थोड़ा कम कर सकते हैं। अगर आपको वाटरिंग के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो आप मेरा मैरीगोल्ड की प्लांट के केयर वीडियो देख लीजिए। उस वीडियो में मैंने वाटरिंग के बारे में डिटेल में शेयर किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा। हालांकि कैलेंडुला विंटर फ्लावर है पर इसे वार्म वेदर ज़्यादा पसंद है, इसलिए आप इसको ज़्यादा कोल्ड विंड फ्रॉस्ट से बचा के रखिए, अदरवाइज आपका प्लांट खराब भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की तरह ही कैलेंडुला को भी ब्राइट लाइट पसंद है, इसलिए आप इसको ऐसी जगह पे प्लेस करिए जहाँ इनको दिन में ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट मिले। कैलेंडुला के बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज़ मिलते हैं, कुछ सिंगल पेटल के, कुछ डबल पेटल के, कुछ ड्वार्फ वैरायटी का, कुछ नॉर्मल, कुछ येलो शेड में, कुछ ऑरेंज शेड में भी। वेल, आप हर एक वैरायटी को ही सीड से बहुत ही आसानी से ग्रो कर पाओगे। साथ ही साथ मैंने सुना है कि कैलेंडुला को स्टेम कटिंग से भी प्रोपेगेट किया जा सकता है। हालांकि मैंने कभी स्टेम कटिंग से प्रोपेगेट नहीं किया है, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से सीड से ग्रो हो जाता है। तो आप इस साल की प्लांट का सीड्स हार्वेस्ट करके रख दीजिए, नेक्स्ट ईयर आप बहुत आसानी से इससे न्यू प्लांट को ग्रो कर पाओगे।
तो ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो देन प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन टू एनकरेज मी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।